now turn up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आइकिया में आया हूँ। आज यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, बेसिकली ये होलसेल की शॉप है। किसी भी किस्म का फर्नीचर, घर की ऐसी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेज, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है और बड़ी अच्छी कीमत में मिलता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे कैसे हम चीज़ें लेते हैं और किस तरीके से प्राइसेस होती हैं। आ जाओ। जी दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव द कमेंट बिलो। आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, प्लीज़, थैंक यू। ये जो हम यहाँ पे जहाँ बेसिकली हम आए हुए हैं ना, इसका ये मकसद है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है होलसेल की मिलती है और आपको पूरे सेटअप के साथ मिलती है कि आप जिस तरीके से मर्ज़ी चाहें आपको मिल जाएगी, जैसी मर्ज़ी, महंगी भी और सस्ती चीज़ें भी, और आपको पूरा सेटअप करके दिखाया होएगा कि हाँ जी इस इतना। और इस तरह बॉक्स में आती हैं और ज़्यादा मुश्किल से नहीं उठा के लेके जाना पड़ता, ये बॉक्स में आती हैं, बॉक्स में आप लेके जाएँ और घर जा कर असेंबल कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप किया। ये यहाँ पे आइकिया की ये क्वालिटी है। ये इन्होंने किचन देखो, जैसे आप देख सकते हैं ये किचन का सारा इन्होंने सेटअप किया है। फॉर एग्जांपल इवन द कैबिनेट्स, इवन दिस सिंक, लुक एट दिस। ये आपको बेसिकली बताते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सेटअप है, आप बस लें और घर जाके सेटअप। इसी तरह ही ये देखें, और जैसे कि ये फ्रिज है, रेडी टू गो, इसमें हर चीज़ होती है बेसिकली, आप इनके पास हर चीज़ है। अब ये लिविंग रूम है, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं यहाँ पे कनाडा से ये आपके लिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ। यहाँ पे ये आइकिया का जो स्टोर है, इस स्टोर की ये क्वालिटी, आपको यहाँ से महंगी चीज़ भी मिलेगी और सस्ती से सस्ती भी, डिपेंड एट द कस्टमर कि आपको क्या चीज़ पसंद है। और सबके ऊपर कीमतें साथ साथ लगी होती हैं। यहाँ पर हमने क्या करना होता है बेसिकली, ये यहाँ सभी स्टोर के ऊपर आप देखेंगे कि इन्होंने डेकोरेशन करके पूरा का पूरा घर लगा दिया ना। लिविंग रूम है तो लिविंग रूम बना के पूरा लगा दिया है, किचन है तो किचन पूरा का पूरा लगा दिया है, ऑन द साइड्स भी जो दूसरे फर्नीचर या दूसरी भी चीज़ें हैं वो भी लगा दी हैं। हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि सिर्फ एक तस्वीर उतार लेनी है और तो उसमें बारकोड वगैरह लगा, बारकोड जो होता है इनका वो ले लेना है, वो ले के फिर ये तीन मंजिलों का स्टोर है बेसिकली। एक जहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा फर्नीचर का सारा सेटअप इन्होंने किया हुआ है, एक जगह पे आप दूसरी मंजिल पे जाएंगे तो इसकी एक वो है किचन की हैं, घर की डेकोरेशन की चीज़ें हैं, यहाँ हर एक चीज़ मौजूद है, स्वाय ग्रॉसरी के हर एक चीज़ है, आपके घर की जो ज़रूरियात हैं सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। $10 से लेके, बल्कि मैं कहूँगा 99 सेंट से लेके आपके हज़ारों डॉलरों तक की एक एक चीज़ मौजूद है यहाँ पर। जैसा कि आप अब ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लिविंग रूम का सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, सोफ़े भी हैं और सामने लैम्प्स भी हैं, ये देखें डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं, इवन द रूफ़ ऑन द रूफ़ पे भी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। चेयर्स ये देखें, अब आप जैसे देख सकते हैं ये इन्होंने छोटी सी टेबल रखी हुई है, जैसे कि हम बालकनी वगैरह में बैठ सकते हैं या आप घर के बाहर आपने छोटा सा सेटअप बनाना हो। साथ में ये सोफ़ा सिस्टम है, इन्होंने सोफ़े का भी रखी हुई है, टीवी का भी है। और ये ऑन द साइड, अब मैं वैसे दिखा रहा हूँ ये आपको वीडियो में कि ऑन द साइड है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमतें भी लगी हुई हैं। और ये टीवी के, टीवी ट्रॉलीज वगैरह हैं, टीवी बेंच है मिनस की जो है, और 299 से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे ये वाला जो था, इससे चीप भी हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर आपको लेना आप पसंद करते हैं, किस कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, डिपेंड एट द क्वालिटी, डिपेंड एट द प्राइस एंड डिपेंड के आपको कौन सी चीज़ कैसे डेकोरेट करनी है। ये देखें बाथ टब है, ये
या फिर वही वॉशरूम का पूरा उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है विद द टू सिंक्स. हाँ जी, टू सिंक्स एंड टू मिरर्स, साइड कॉर्नर पे डेकोरेटेड किया हुआ है, कपड़े आमतौर पे लोग हैंग अप कर लिए वो करा हुआ है, टॉयलेट सारा कुछ है. सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से बार कोड लेना है, यहाँ से उठाना है, उठा के आपने नीचे चले जाना है और वहाँ पे जाके आप हेल्पर्स को आप कह सकते हैं, अगर आप खुद ढूंढ सकें तो ठीक है वो बार कोड के मुताबिक, वरना वहाँ पे हेल्पर होंगे, आप वहाँ पे जाएंगे और जाके उनको बोल देंगे जी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको उसी तरह ले देंगे. और यकीन करें कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, आप अगर थोड़ा सा भी आप हैंडीमैन है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप घर जा कर सेटअप कर सकते विद इन आवर और हाफ एन आवर और हो जाता है और बड़े सुकून से आप जो है ना घर में सेटअप कर सकते हैं. और आपको ये सेटअप करने के लिए ना असेंबल करने के लिए ये नहीं है कि आपको वो कीज़ वगैरह नहीं देते हैं या नट्स वगैरह नहीं देते, कीज़ भी साथ देते हैं और जो भी प्लग पाना जो भी वट एवर यू नीड इट फॉर दोस्त उसको सेट करने के लिए असेंबल करने के लिए वो सारा चीज़ें बीच में होती हैं ताकि आपको असेंबल करने के लिए भी मुश्किल ना हो. अब ये देखिए, अब हम ये किचन वे किचन की चीज़ों की तरफ आ गए हैं. ये पूरा का पूरी जो है स्टोरी ये किचन की चीज़ों की है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें 100 पीसेस थे वो जो आमतौर पे कैंडल्स जलाते हैं. आप खाने की टेबल पे बैठे हों तब भी कैंडल चलती हैं, नाइट को भी कैंडल चलती हैं. ये देखें अब किचन्स की ये सारी चीज़ें हैं आमतौर पे जो औरतों का ये फेवरेट हॉबी होती है कि जी ये किचन की चीज़ें. इसी तरह मेरी वाइफ ने भी यहाँ से किचन की ज़्यादा चीज़ें ली थी. मैंने एक कैबिनेट ली थी, एक लैंप लिया था और किचन की कुछ चीज़ें ली थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे जिसकी वजह से मैं आया हूँ. और वैसे भी मेरे पास इसका गिफ्ट कार्ड काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, 2 सालों से उसमें पैसे पड़े हुए थे, मुझे वो भी यूज़ करने, तो इसलिए मुझे आना भी पड़ा. कुछ चीज़ें मैंने ली हैं घर के लिए जो कि ज़रूरत की थी बच्चों के लिए.
जी अब ये हम कारपेट्स की तरफ आ गए हैं, क्लीन्स, रग्स, देखें कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। अब ये पौधों का सेक्शन था, अब यहाँ पे हमने दो पौधे भी लिए थे, एक एलोवेरा का पौधा लिया था और एक पता नहीं कौन सा था, लेकिन दे वर लुकिंग सो अमेजिंग के बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों के दोनों पौधे। देखा जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बंदा अब यहाँ पे आया ना, बंदे का दिल चाहता है कि एक चीज़ कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसको छोड़े एक, तो बंदा किस किस चीज़ को पकड़े, किस किस चीज़ को लेके जाए। एनीवे लेकिन लेनी तो वही ज़रूरत की चीज़ ही होती है जो इंसान की अपनी ज़रूरत की चीज़ है। देखिए कितने खूबसूरत पौधे हैं ना ये, या मोस्टली यहाँ पे जो है ना मोस्टली रियल हैं, सारे रियल नहीं है, कुछ ये जो थे आर्टिफिशियल भी थे, लेकिन मोस्टली जो है इनमें से रियल पौधे भी हैं। जो मैं लेके आया हूँ वो रियल पौधे लेके आए, लेकिन ये वाले जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ये भी दिख रहे थे, ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल रियल है। मैंने तो लिटरली पास होकर उसको टच करके देखा कि ये रियल हैं कि वो दूसरे हैं, ये सारे रियल हैं। इनमें से एक मैं लेके गया था, ये एलोवेरा का था, एक ये वाला लिया था मैंने और एक दूसरी तरफ छोटा वाला पौधा था वो लिया था मैंने, और दोनों ही बड़े अच्छे पौधे थे। आते साथ ही घर में मैंने फिर उनको बड़े क्यारी में लगाए ताकि वो ग्रो अप हो सकें बड़े अच्छे तरीके से, होपफुली हो जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पे समर बहुत कम होता है, विंटर ज़्यादा होता है, तो जितना हमारा समर होता है उसी हिसाब से हमने कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इंजॉय कर सकें समर के हिसाब से। बस यहाँ से ये सारी चीज़ें लेके हम थोड़ी देर में निकल रहे थे, आपको आगे जाकर मैं दिखाऊंगा कि स्कैनिंग मशीन होती है ना यहाँ पे, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ कस्टमर सर्विस ज़्यादा नहीं टाइम आपको देते, खुद जाके ये देखें जैसे स्कैनिंग मशीन है ना, यहाँ से हमने खुद स्कैन किया, वो मैं आपको दिखाना वहाँ से भूल गया, खुद अपनी चीज़ें लेके मैंने स्कैन की और लेके निकल गया। आई एम डन, बस यहाँ का सफ़र यहाँ तक था आपके साथ। इंशाल्लाह अगले में आपको वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।